तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने कुछ लोगों का एजेंडा, बहुत सारे लोग कोई इधर से यात्रा निकाल रहे हैं, कोई उधर से यात्रा निकाल रहे हैं, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता हूं। आप जानते होंगे 2017 से पहले जो सरकार थी उस सरकार में कितनी घोषणाएं हुई, कितनी घोषणाएं, घोषणाओं पर घोषणा। अगर मैं बोलने और गिनाने लगूं तो कई घंटे लग जाएंगे उनकी घोषणाओं के नाम लेने में, लेकिन धरातल पर एक भी घोषणा नहीं आई। और हमने जब से सरकार में काम करना शुरू किया, अगर पिछले 4.5 सालों का कार्यकाल देखें या मेरे इन 60 दिनों का कार्यकाल देख लीजिए, हमने कहा है जितने भी हमने फैसले लिए हैं एक भी घोषणा ऐसी नहीं होगी जिसका शासनादेश नहीं निकलेगा, सारी की सारी शासनादेश निकलेंगे, सारी धरातल पर आएंगी। और हमने उसके लिए बिल्कुल एक टाइम बाउंड किया हुआ है। सरकार में आते ही मैंने कहा कि हमारी जनता, हमारे जनता के लोग, जनप्रतिनिधि, आम जनता के लोग, सामान्य जनता के लोग, उनको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, उसलिए हमने एक फार्मूला निकाला है कि हम सरकार में एक नई कार्य पद्धति शुरू करेंगे। वह कार्य पद्धति है हमारी, हम सबसे पहले हमारे पास कोई समस्या आएगी तो हम उसका सरलीकरण करेंगे। मैं अपने इस जिले के DM साहिबा से भी कहना चाहता हूँ, हमारे पुलिस के DIG हैं, SP हैं, सभी से कहना चाहता हूँ कि हमने तय किया है कि हम सरलीकरण करेंगे। सबसे पहले अगर हमारे पास कोई भी समस्या आएगी तो उसका हम सरलीकरण करेंगे, यानी अगर कठिन समस्या भी हमारे पास आती है तो उसका भी हम समाधान निकालने के लिए उसका सरलीकरण करेंगे, और दूसरे नंबर पर हम उसका समाधान करेंगे। यानी कि हमारा मन और हमारा मस्तिष्क इस बात के लिए दर्द लेगा, इस बात के लिए हम चिंतित होंगे, इस बात के लिए हम चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे कि सरलीकरण के बाद समाधान करेंगे और तीसरे नंबर पर हम उसका निस्तारण करेंगे। यानी कि जो भी समस्या हमारे पास आए उस समस्या को भली भांति सुनना है, अगर संभव कार्य है तो उसका समाधान निकालना है और समाधान निकालकर उसका निस्तारण करना है। यानी कि उस फाइल को बंद कर देना है, उस फाइल को बंद ऐसे ही नहीं करना है कि पता चला कि कोई समस्या आई और समस्या को जो है हमने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये काम तो असंभव है, इस प्रकार की बात नहीं। अगर कठिन काम भी आता है तो हम उसका रास्ता निकालेंगे, उसका समाधान करेंगे और उसके बाद उस फाइल को निस्तारित कर देंगे। 9 पेंडेंसी सरकार में हमने कहा है कि 9 पेंडेंसी होगी, किसी प्रकार की पेंडेंसी नहीं होगी।